हाय दोस्तों, तो ये मैं एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें कि मैंने आपका इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ का जो पेपर है, जो एमसीक्यू बेस है सीएस एग्जीक्यूटिव का, वो सॉल्व करवा रहा हूँ दिसंबर 2017 का, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं टैक्सेशन और कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसका आपको लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको उनके सॉल्यूशन भी देखना है तो आप उन वीडियो को रेफर कर लीजिए, और इसमें मैं आपको ILGL का पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं तकरीबन 30 क्वेश्चन के अराउंड सॉल्व करवाऊंगा, और उसके बाद मेरी नेक्स्ट सीरीज आएगी दूसरी वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप CS कर रहे हैं तो, क्योंकि मेरा चैनल CS वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा तो आपके पास मेल आ जाएगा, तो आप उसे देख के अपने आंसर कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन मैं विद लॉजिक करवा रहा हूँ, और अगर उसके बाद आपको कोई डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है गलत करवा दिया मैंने, या फिर आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए, किसी चीज़ पे भी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पहले वाली वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है मेरे में, इफ अ क्वेश्चन अराइजेज वेदर वर्क परफॉर्म्ड इन एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप मिला लीजिएगा और इसके बाद फिर आगे चलते रहिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे आपके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका आया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन वाले एक्ट से। इसका जो आंसर है वो ए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसका आंसर जो है वो सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 पे बेस्ड है, ठीक है जी। दूसरा है लाइसेंस के बारे में पूछा है कि जो लाइसेंस लाइसेंस के ऑफिसर देता है वो वैलिड कितने समय के लिए रहता है। तो उसका जो आंसर है वो रूल 25 में से आया है, आंसर है इसका डी 12 मंथ्स सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है स्टेटमेंट के बारे में, नीचे दिया गया है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट ऊपर से करेक्ट थी। ऊपर 4 स्टेटमेंट दी गई है, उसमें से करेक्ट वाली हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम 3 में, चलो। तो इसमें पूछा था सबसे पहले प्रिस्क्राइब इम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी है, शुड बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ओनली, ठीक है। प्रिस्क्राइब एंड नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड, देखिए नॉट बाउंड वाला ये जो गलत है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो बी है, यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाली भी ठीक है इसमें, और थर्ड वाली भी ठीक है, सेकंड वाली गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, थर्ड का आपका। क्वेश्चन नंबर 4th में आ गए अब हम। 4th में जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि कौन अप्रूवल, किसका अप्रूवल चाहिए अगर आपको रेवोकेशन करना है लाइसेंस का ऑफिसर को। तो जो अप्रूवल चाहिए वो सेक्शन नंबर 8 में मेंशन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, 4 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 मेटर्निटी बेनिफिट्स है, जिसमें पूछा गया करेक्ट आंसर बताइए, ऊपर 4 स्टेटमेंट दी गई है उसमें से करेक्ट कौन सी है वो आपने बतानी है, ठीक है। तो इसको पहले ऊपर चलते हैं हम, और इसमें देखिए सबसे पहले बताया गया है कि सेक्शन 5, देखिए ऑब्जेक्ट बताया गया आर्टिकल 39 से, ठीक है। एम्प्लॉयर शुड प्रिपेयर, ठीक है। सेक्शन 5 नॉट रिलेटेड टू अ राइट ऑफ पेमेंट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट, ये गलत है। सेक्शन 5 जो होता है वो राइट ऑफ पेमेंट का ही होता है, और जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो भी गलत है इसमें, यानी कि इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 था कि 5 था, ये 5 था। स्टेट द करेक्ट आंसर पूछा है इसमें, तो ये तो दोनों तो इनकरेक्ट है, यानी करेक्ट कौन सी होगी 1 और 2, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, ठीक है। तो 5 का आंसर है डी। 6 पे आते हैं हम, 6 पे पूछा है इनकरेक्ट कौन से, तो इसमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कहाँ करेक्ट पूछा है कहाँ इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता है, ये करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 24 से है। सी पूछा है चाइल्ड लेबर इज अ वायोलेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन एज गिवन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है, यानी 6 का जो आंसर है वो है आपका सी। 7th भी चाइल्ड लेबर से आया है, 7th में पूछा है कि चाइल्ड लेबर की जो वर्किंग आवर्स है उनके बारे में बताया गया है। तो 3 जो ऊपर बातें लिखी है ये वर्किंग आवर ओवर टाइम वाली, तीनों ठीक है इसका, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है उसका आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कितने टाइम लिमिट के बारे में बात की गई है, चाइल्ड लेबर से ही है कि आपको कितने मतलब पीरियड में आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं उसकी जो हॉलीडे है, वंस इन कितने मंथ। तो 8th का आंसर है इसका, 8th का आंसर सी है, यानी 3 मंथ्स में एक बार आप कर सकते हैं एम्प्लॉयर जो है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9th है उसमें पूछा गया है कि कितने परसेंट ऑफ वेजेस देने होते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो फर्स्ट 90 डे में एम्प्लॉयज़ को। तो इसका आंसर सेक्शन नंबर 10A ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 पे बेस्ड है। उसमें लिखा गया 50% वेजेस आपको देने ही होंगे फर्स्ट 90 डेज के। तो 9th का आंसर रहेगा बी। 10th का आंसर जो है वो बोला गया है कि अपील अगर करनी है हमें, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑर्डर के को चैलेंज करते हुए, तो कितने दिन में करनी होती है। तो उसका आंसर होता है 30 डेज में हमें करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपीज सेंड टू एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी,
टेंथ का आंसर। और इलेवेंथ में पूछा गया है डेफिनेशन पार्ट से कि वर्कमैन की डेफिनेशन में कौन सा इंक्लूड होगा, ये पूछा गया है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो टेम्पल, मेडिकल और जेलर वाले जो ये है, ये तीनों वर्कमैन में नहीं आते, इसका मतलब इलेवेंथ का आंसर रहेगा सी, सेल्समैन वाला। ट्वेल्थ में भी आपको पूछा गया है कि विच वन इज नॉट, विच इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी ये भी डेफिनेशन वाले पोर्शन से आया गया है, आया है क्वेश्चन। डेफिनेशन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, वो है सेक्शन 2K में मेंशन। वहाँ पे बोला गया है कि जो ऊपर वाले तीन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के साथ, एम्प्लॉयर वर्कमैन के साथ, वर्कमैन वर्कमैन के साथ, ये होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो डी है एम्प्लॉयर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो डिस्प्यूट होता है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आता, आंसर रहेगा डी। थर्टींथ में ये पूछा गया है, फिर डेफिनेशन वाला पोर्शन आ गया 13 में। 13 में जो डेफिनेशन पूछी गई है वर्कमैन की, वो सेक्शन नंबर 2 SSAI है, उसमें एक बताया गया था जो एयरफोर्स के अंदर गवर्न होते हैं, एयरफोर्स एक्ट के अंदर वर्कमैन यहाँ गवर्न नहीं होते, तो इसका आंसर सी रहेगा, क्लीनर इन एयरफोर्स, बाकी तीनों यहाँ गवर्न होते हैं। सेक्शन नंबर 49 केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था, सेक्शन 2A प्लस भारत शुगर मिल्स लिमिटेड वाला केस लॉ लगता है, उसमें कहा गया है कि गो स्लो, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो स्ट्राइक नहीं होता, बट सीरियस केस ऑफ मिसकंडक्ट कहा जाता है, तो 14 का आंसर आपका रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कौन सी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए डेजिग्नेट नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, तो जो आंसर इसका है वो एवा कमेटी, क्योंकि जो नीचे वाली तीन कमेटी, जो नीचे वाली तीन है अथॉरिटीज, वो तो डेजिग्नेट है उसमें सेक्शन 21 में, पर जो वर्क कमेटी है वो डेजिग्नेट नहीं है। 15 का आंसर ए रहेगा आपका। 16 में जो है वो पूछा गया पनिशमेंट वाला पोर्शन की, अगर आपका स्ट्राइक में भी मतलब इलीगल स्ट्राइक करते हैं तो क्या पनिशमेंट का रहता है इसमें प्रोविजन। सेक्शन नंबर 26 में मेंशन है कि आपको जो पनिशमेंट और पेनल्टी लगती है वो रहेगी 1 मंथ और 50,000 और बोथ, यानी 16 का आंसर ए रहेगा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया जो वेजेस हैं स्ट्राइक पीरियड में कब देने चाहिए हमें, कब दे सकते हैं, तो वो जो ये जो क्वेश्चन है 17, ये बेस है केस लॉ पे चेराकुलम टी स्टेट वर्सेस देयर वर्कमैन, उसमें बोला गया कि स्ट्राइक अगर लीगल और जस्टिफाई हो तो आपको वेजेस देने होते, यानी 17 का आंसर ए है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 18 जो क्वेश्चन है उसमें भी पेनल्टी के प्रोविजन पूछे गए हैं, सेक्शन नंबर 30A से आया है ये क्वेश्चन, में पूछा गया है कि अगर एम्प्लॉयर क्लोज डाउन कर देता है अंडरटेकिंग विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ 25FFA, तो उस पर क्या पेनल्टी के प्रोविजन होते हैं, तो इसका आंसर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा 6 मंथ और 500 और बोथ, यानी 18 का आंसर ए रहेगा आपका। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी आपका उसमें डेफिनेशन पोर्शन से आया सेक्शन 2G से, उसमें पूछा डिस्प्यूट बेसिकली किस में, किस किस के बीच में हो सकता है, तो एम्प्लॉयर वर्कमैन 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 सब में हो सकता है मतलब, तो 19 का आंसर आपका डी रहेगा। 20 में जो आया है क्वेश्चन वो आपका आया है वही स्टेटमेंट बेस पे, तो पहले हम नीचे पढ़ लेते हैं, फॉल्स बोला है कि हमें ऊपर में से पहचाननी है कि फॉल्स कौन कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड बाय द कंक्लूसिव, ये ठीक है कि कंक्लूसिव होता है, एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये रॉन्ग है, पर पर्पेचुअल सेक्शन वाली बात ठीक है, और ये जो शू वाली बात है ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ वाली जो बात है वो रॉन्ग है, तो इसका आंसर रहेगा सी आपका 20 का। 21 में पूछा गया है कि अगर ट्रेड यूनियन फॉर्म करनी है तो कितने परसेंट चाहिए मिनिमम ट्रेड यूनियन के लिए, तो उसका आंसर रहता है आपका बी, 7 और मोर% बेसिकली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चाहिए होते हैं वो भी ट्रेड यूनियन में चाहिए होते हैं। 21 का आंसर बी है आपका। 22 में जो पूछा गया है वो भी डेफिनेशन पोर्शन से पूछा गया है, और सेक्शन 2AA है शायद यहाँ पे, तो यहाँ पे इससे पूछा गया कि अप्रेंटिस एक्ट से आया ये क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया कि अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग द ट्रेनिंग, डेफिनेशन पूछा गया है, तो बेसिकली इसमें जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस जो होता है वो ही हमारा अप्रेंटिस के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। तो 22 का आंसर सी रहेगा आपका। 23 में भी उसी एक्ट से आया है आपका क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो जो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है कि उनको एंटर करना होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ये भी ठीक है, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मेड होता है वही डेटा मान लेते हैं, ये भी ठीक है, और इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है, यानी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है 60 डेज वाली, यानी 23 का जो आंसर है वो आपका डी रहेगा। 24 में जो क्वेश्चन आया है वो पूछा है कि ट्रेनिंग लेनी है उसको किसके, मतलब जो ट्रेनिंग होता है उसको हम बोलते क्या है, अप्रेंटिस जो होता है उसको बेसिकली बोलते क्या है, तो 24 का आंसर डी है, उसको ट्रेनिंग बोला जाता है, ठीक है। 25 में बोला गया है कि ओवर टाइम, बेसिकली ओवर टाइम करवाना है तो किसका अप्रूवल चाहिए, तो उसमें हमें इसका अप्रेंटिस एडवाइजर का अप्रूवल चाहिए होता है, तो 25 का आंसर बी है।
26 में जो डेफिनेशन पूछी है स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट की सेक्शन 2E, तो स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट मतलब का होता है कि बेसिकली मिनिमम 10 वर्किंग चाहिए और नॉट मोर देन 40 वर्कर, तो 26 का आंसर इसमें डी है। और 27 में बेसिकली शेड्यूल से पूछा गया है कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ लेबर लॉ वाले में कौन कौन से एक्ट मेंशन है, तो यहाँ पे वेजेस, फैक्ट्री बोनस तीनों एक्ट वहाँ पे मेंशन है, तो इसका आंसर डी रहेगा। 28 ईपीएफ वाले उससे आया है हमारे एक्ट से क्वेश्चन। 28 में बोला गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन मतलब कौन कौन से एक्ट फंड की प्रोवाइड करवाता है ये जो एक्ट है, तो इसमें तीन फंड दिए गए हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड, तो आंसर रहेगा डी इसका। 29 में जो कहा गया है वो बेसिकली रेट के बारे में पूछा गया है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का रेट क्या रहता है, तो 29 जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 6 से आया है जिसमें 10% रेट मेंशन है ऑफ द बेसिक वेज। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया ऑथराइज ऑफिसर जो होता है एमपीएफ एक्ट का, वो रिकवरी ऑफिसर बेसिकली उसकी पावर क्या होती है रिकवरी ऑफिसर की ना रिकवर करने के लिए, तो जो है वो अटैच भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी आपका। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चन ले लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और क्वेश्चन ले लूंगा। आपके कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके कोई डाउट आता है, कोई ऐसा लगता है मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिया या आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।